हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय मेरे। मैं एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर तथा एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मुझे पता था आपको स्टडी मोटिवेशन टॉपिक पे एक वीडियो की जरूरत है। मुझे पता है आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, टॉप करने का, रैंकर बनने का सपना आपके आंखों में है। IAS, IAS, IPS आप बनना चाहते हो, लेकिन आपकी वही डिसिप्लिन समस्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता भाई? अगर सपने तुम्हारे हैं तो पूरे करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। अगर रैंकर टॉपर तुम्हें बनना है तो पढ़ाई कोई और थोड़ी ही करेगा, तुम्हें ही करना होगा। आज समय है, जाग जाओ भाई, वरना टॉप किसी को तो करना ही है। अगर कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? टॉप करने वाला भी तो इंसान ही है, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान है। अगर कोई और मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओह, यह जो आपके पास डिवाइस है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपके पढ़ाई में की सबसे बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो या एकदम ज़रूरत हो तभी मोबाइल का इस्तेमाल करो, वरना मत करो। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते? करते हैं, टॉपर्स भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का हर सफल इंसान मोबाइल का यूज करता है, लेकिन वह मोबाइल में फालतू की चीजें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वह पढ़ाई के लिए या तो मोटिवेशन के लिए करते हैं। वह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मोबाइल हाथ में आते ही आपकी उंगलियां सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गेम्स खेलने में चल जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। दोस्तों सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है, यह सिर्फ रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आए तो हंसी उड़ाने वालों की कमी नहीं इस दुनिया में। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है तो दुनिया सिर्फ उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि उसके माँ बाप, उसके टीचर्स और उसके परिवार का भी मजाक बनाया दिया जाता है। तो क्या तुम अपना, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने टीचर्स का मजाक बनाना चाहते हो? सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं आपके माँ बाप, वह बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। क्या आप उनका ऐसे ही मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो, आज ही मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। आज ही टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। अरे यह क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल? वह तो आपने इस साल में कम से कम 10 बार बनाया होगा। और कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ूंगा या 1 तारीख से पढ़ूंगा। लेकिन पढ़ने का समय और वह टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच के रखा है आपने? अरे हमसे बेहतर तो वो जानवर है जो हर काम सही समय पर करते हैं, और वो भी प्राकृतिक रूप से, दिमाग नहीं है उनमें। और हम स्वस्थ इंसान होकर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हैं। सुनो दोस्तों, एक कड़वी बात सुनो। अगर आपने यह सोच के रखा है कि आपके पिताजी के पास बहुत सा पैसा है, अगर आप जिंदगी में असफल हुए तो पिताजी के उन्हीं पैसों से आप अपनी जिंदगी काट लेंगे। लेकिन दुनिया मजाक के साथ साथ यह भी कहेगी, देखो यही है वह व्यक्ति जो खुद तो अपने जिंदगी में कुछ न कर सका और अपने बाप के पैसों पे जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर और ऐसी जिंदगी पर। और हाँ, अगर काट भी ली जिंदगी अपने बाप के पैसों से, अगर खर्च कर भी दिए उनके सभी पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? क्या उन्हें खाली हाथ छोड़कर जाओगे? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे आप। और यदि आपके पिताजी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तब तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको इसके अलावा कोई और पर्याय नहीं है। आज ही समय है, जाग जाओ और निर्णय आपके हाथों में है। कैसी जिंदगी जीना चाहते हो आप? आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो और छोड़ दो वह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपकी समस्या यह है कि आप पढ़ाई को लक्ष्य समझ बैठे हैं। पढ़ाई कोई गोल नहीं हो सकती, कोई लक्ष्य नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है।
जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, उस दिन आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा आपको पढ़ाई करने को, लेकिन तब तक आपको पढ़ना ही होगा। अपने खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो, उनके खातिर पढ़ो जिन्हें आप चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिसको आपने जीवन साथी बनाने का सपना देखा है। अगर पढ़ोगे नहीं तो उनको खुशियां कैसे दोगे? और जो आपसे कह कर गए थे तुमसे जीवन में कुछ ना हो पाएगा, कम से कम उसको जवाब देने के लिए पढ़कर दिखाओ। आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको नीचा दिखाना चाहता हो। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। आज पढ़ लो, बाद में असफल हुए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। तू पढ़ाई कर, क्योंकि किस्मत सबको मौका देती लेकिन मेहनत सबको चौंका देती। पढ़ना तो शुरू करो, मन लग जाएगा। अगर कोई समस्या आती है तो मोटिवेशन सुनते रहना, क्योंकि पढ़ाई में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और ज्यादा समस्या हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव सहायता करने की। बस आप पढ़ो तो सही। जिसने बोला कल, दिन गया टल। जिसने बोला परसों, बीत गए बरसों। जिसने बोला आज, उसी ने किया है राज। इसलिए आज से ही स्टार्ट करो। पढ़ लो तो सोने की तरह निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। दोस्तों, बैठे कैसे हो? यह अपने सपनों को पूरा करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए यह सोचने का समय है। यह पढ़ने का समय है। जब भी पढ़ाई में मन ना लगे, यह वीडियो बार बार देखते रहिए। खुद मोटिवेट रहे, औरों को मोटिवेट रखे, आसपास साफ सफाई रखिए। धन्यवाद।